प्रदेश में मानसून की विदाई हो चुकी है और ठंड के मौसम ने अपनी आहट की दस्तक दे दी है। जैसे जैसे अक्टूबर का महीना आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे मौसम में ठंडक का एहसास बढ़ रहा है। यूपी में बदलते मौसम के चलते कई जिलों में न्यूनतम तापमान में तब्दील देखने को मिली है। IMD की माने तो नवम्बर के पहले हफ्ते से ही गुलाबी ठंड पड़ने के आसार है। IMD ने फिलहाल बारिश के लिए कोई अलर्ट जारी नहीं किया है। IMD की ओर से 17 अक्टूबर के लिए यूपी तक अलर्ट नहीं है। यूपी में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। शहरी इलाकों में ग्रामीण इलाकों की अपेक्षा ठंडक कम है। यूपी में ग्रामीण क्षेत्र में मौसम पूरी तरह से बदल चुका है। गांव के इलाकों में सूरज ढलते ही ठंडक हो जाती है। IMD के मुताबिक गुरुवार को प्रदेश में मौसम साफ रह सकता है। IMD की माने तो 17 अक्टूबर के लिए किसी तरह का अलर्ट नहीं है। दिल्ली में मानसून की विदाई। मोहम्मद दानिश ने बताया कि दिल्ली से मानसून की विदाई हो चुकी है। ऐसे में अब किसी भी तरह का कोई बारिश का पूर्वानुमान नहीं है, लेकिन दिल्ली में अब सर्दी अपने पैर पसारने शुरू कर चुकी है। 25 अक्टूबर से लेकर 5 अक्टूबर के बीच अच्छी सर्दी का एहसास लोगों को होने लग जाएगा। 5 नवम्बर से लेकर 15 नवम्बर के बीच कोहरे के साथ ही हल्की सर्द हवाएं चलने का भी पूर्वानुमान है। यानी अब दिल्ली वालों को अच्छी सर्दी के लिए तैयार हो जाना चाहिए। झारखंड में बीते 24 घंटे के दौरान बोकारो व रांची व शाम को हल्की बारिश देखने को मिली, साथ ही वज्रपात भी हुआ। हालांकि प्रदेश में बाकी जिलों में मौसम साफ रहा। वहीं गुरुवार के मौसम की बात करें तो आज फिर कुछ जिलों में बारिश की संभावना जताई जा रही है। हालांकि सर्द अधिकतम और तापमान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रांची के में मौसम केंद्र वैज्ञानिक ने बताया कि फिलहाल बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव बना हुआ है, जिस वजह से पुरवैया हवा झारखंड की तरफ आ रहा है। पुरवैया हवा अपने साथ नमी लेकर आ रही है, जिसके चलते कई जगहों पर हल्की फुल्की बारिश देखने को मिल रही है। आज भी कुछ ऐसी स्थिति बनने वाली है, इन जिलों में बारिश होगी। मौसम विभाग के अनुसार आज राजधानी रांची, खूंटी, लोहरदगा, सरायकेला, खरसावा, बोकारो, पूर्वी पश्चिम सिंहभूम, सिमेडा व गुमला में हल्की बारिश की संभावना है। यहां दिन भर बादल छाए रहेंगे व शाम में छिटपुट बारिश देखी जाएगी। बारिश के साथ साथ वज्रपात की भी आशंका है, इसलिए लोग इस समय काफी सचेत होकर रह रहे हैं। 2 दिन तक ऐसी स्थिति है कि IMD ने आगे बताया कि 2 दिनों में तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी, लेकिन इससे तापमान में भी कोई बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। साथ ही इस दौरान थंडरस्टॉर्म भी देखने को मिलेगा। यह लोकल थंडरस्टॉर्म होगा, वो भी कुछ ही समय के लिए होगा। आज के संभावित तापमान की बात करें तो धनबाद, ढुमका, गिरिडीह, गोंडा, जमतवाड़ा, पाकुड़, शनबाद अधिकतम तापमान 33 से 24 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। तो ये आपको बता दें कि गढ़वाल, अथाल, लोहरदगा, पालमपुर, बोकारो, रामगढ़, हजूराबाग, रांची, खूंटी में तापमान में भी बढ़ोतरी नहीं हो। फिलहाल इतना ही 24 डिग्री तापमान देखने को मिलेगा। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।